पूड़ी एक बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है। इसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। अक्सर इसे आलू की सब्जी या फिर किसी करी के साथ परोसा जाता है। कई जगह इसे सूजी के हलवे, आमरस या फिर श्रीखंड के साथ परोसा जाता है। पूड़ी को बनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। कई जगह सिर्फ कुछ सादा तरीके से बनाते हैं, कई जगह मसाले के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूंग दाल से बनी मसाला पूरी की रेसिपी, जिसको खाने के बाद आप कचौड़ी तो भूल ही जाएंगे। तो चलिए मूंग दाल से बनी इस क्रिस्पी क्रंची पूरी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मूंग दाल मसाला पूड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने मूंग की दाल को पानी में भिगो करके रख दिया था। करीब 4 से 5 घंटे के बाद ये काफ़ी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब इस पानी को हम हटा देंगे और ग्राइंडिंग जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम अदरक को ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमने मूंग की दाल को इस तरीके से पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच सूजी को ऐड कर रहे हैं। सूजी डालने से जो पूड़ियाँ हैं वो एकदम बढ़िया से क्रिस्पी बनती हैं, तो आप इसे ज़रूर डालिए। अब इसमें हमने डाल दी है कुटी हुई सौंफ करीब 1 छोटा चम्मच। साथ ही साथ हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और करीब 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरीके से रब करके डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 पिंच हम हींग को ऐड करेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर और साथ ही साथ टेस्ट के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। कटा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गेहूं के आटे को मिलाएंगे। इतना डालना है कि अच्छा सा डो तैयार हो जाए। तो हमें आटे को धीरे धीरे करके डालना है और इसमें 1 बड़ा चम्मच डाला है हमने कुकिंग ऑयल। इससे जो पूरी है वो एकदम से खस्ता बनेगी। तो इसे हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम गेहूं का आटा ऐड करते जाएंगे। तो करीब 1 कटोरी आटा पूरा लग गया है डो को रेडी होने में। अब हम बहुत थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे जिससे कि जो डो है वो एकदम से स्मूथ बन जाए। तो डो बनकर रेडी है। अब करीब 1/2 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। तो 1/2 घंटे का समय हो गया है, तो हम डो को देख लेते हैं। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे और इसको और भी ज़्यादा स्मूथ करेंगे। तो पूरी के लिए डो एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे।
और इसकी हम करीब नींबू के साइज की लोइयां कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सारी लोइयां तैयार कर लेना है। तो ये हमने लोइयां तैयार कर ली हैं, तो अब इन्हें हम बेलते हैं। तो हमें थोड़ा सा ऑयल अच्छी तरीके से लगा लेना है। अब हम पूरी को बेलते हैं, ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली, मीडियम पूरी को हमें बेलना है। तो हम आपको पास से दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमें पूरी को बेल लेना है। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। तो पूरियां तैयार हो गई हैं, तो अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल को हमें ना तो बहुत ज़्यादा तेज और ना कम, मीडियम हीट पर हमें पूरियों को तलना है, जिससे कि जो पूरियां हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएं। तो इस तरीके से हमें क्रिस्पी होने तक पूरियों को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। ऑयल प्रॉपर गर्म होगा तो पूरियां बहुत अच्छी तरीके से फ्राई होंगी, एकदम से फूली फूली बनेंगी। तो इसी तरीके से हमें सारी पूरियों को फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी मूंग दाल मसाला पूड़ी बनकर एकदम रेडी है। तो आप मेरे इस तरीके से पूड़ी ज़रूर बना कर देखिए। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और खस्ता बनकर रेडी है। तो आइए हम इसे आलू की सब्जी के साथ सर्व करते हैं। तो देखते ही खाने का मन होने लगा है इसे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको इस रेसिपी का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।